अगर आप अपने सपनों का निर्माण नहीं करेंगे तो कोई और अपने सपने पूरे करने में आपका उपयोग करेगा। ये शब्द हैं उस व्यक्ति के जिसे अपने गुजरने के सालों बाद भी भारत ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी कोने में किसी परिचय की जरूरत नहीं। ये बोल है स्वर्गीय धीरज लाल हीराचंद अम्बानी उर्फ धीरूभाई अम्बानी के। धीरूभाई अम्बानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को जूनागढ़ जिले के चरौड़ गांव के एक बेहद मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम हीराचंद अम्बानी तथा माता का नाम जमनाबेन था। उनके पिता गांव की ही एक पाठशाला में अध्यापक थे। धीरूभाई अम्बानी का आत्मविश्वास शायद बचपन से ही अपने चरम पर था। इस बात का साक्ष्य एक वाक्य से मिलता है। एक दिन धीरूभाई अम्बानी की माँ ने उन्हें और उनके बड़े भाई को पिता के साथ पैसे कमाने में मदद करने को कहा। तब धीरूभाई ने माँ से गुस्से में कहा कि तुम बार बार पैसे के बारे में क्यों कहती हो, एक दिन मैं पैसे का अंबार लगा दूंगा। धीरूभाई ने स्कूल के दिनों में ही उद्यमिता में पहला कदम रख दिया था और उन्होंने गांव में हर हफ्ते लगने वाले मेले में भजिया बेचना शुरू किया। वे जितना भी पैसा भजिया बेचकर कमाते थे सब अपनी माँ को लाकर दे देते। धीरूभाई अम्बानी ने अपनी पहली नौकरी यमन में 300 रुपये के वेतन से की। वहीं धीरूभाई के मन में व्यवसाय की बारीकियां जानने को लेकर उत्सुकता पैदा हुई। यहीं यमन में नौकरी करते हुए एक गुजराती व्यवसायिक कंपनी में काम करने लगे और वहां से उन्होंने लेखा जोखा वित्त विभाग का काम और शिपिंग पेपर्स तैयार करना सीखा। उसी दौरान आज़ादी के लिए हुए यमनी आंदोलन ने अदन में रह रहे भारतीयों के लिए व्यवसाय के सारे दरवाजे बंद कर दिए। तब 1958 में धीरूभाई भारत वापस आ गए और मुंबई में व्यवसाय शुरू करने के लिए अवसर तलाशने लगे। चूंकि धीरूभाई व्यापार में एक बड़ा निवेश करने में अक्षम थे तो मसालों और शक्कर का व्यापार रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से शुरू किया। इस व्यापार के पीछे धीरूभाई का लक्ष्य मुनाफे पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों का निर्माण और उनकी गुणवत्ता पर था। इसके बाद धीरूभाई ने सूत के व्यापार में हाथ डाला जिसमें पहले के व्यापार की तुलना में ज़्यादा हानि की आशंका थी, पर वे धुन के पक्के थे। उन्होंने इस व्यापार को एक छोटे स्तर पर शुरू किया और जल्द ही अपने काबिलियत के बलबूते पर धीरूभाई बॉम्बे सूत व्यापारी संगठन के संचालक बन गए। उनकी दूरदर्शिता और जल्द व प्रभावी फैसले लेने के गुण ने इस व्यापार में उन्हें अत्यधिक लाभ दिलाया। ये लाभ भविष्य में धीरूभाई को रिलायंस टेक्सटाइल कंपनी की स्थापना करने में काम आया। इस मौके को भुनाते हुए उन्होंने 1966 में अहमदाबाद के नरोदा में भी एक टेक्सटाइल कंपनी की स्थापना की। वे हर हफ्ते मुंबई से अहमदाबाद कंपनी का विश्लेषण लेने आते और हर कर्मचारी की तकलीफ सुनते हुए और उसे हल करने का आश्वस्त करते थे। उनका लक्ष्य सिर्फ कंपनी की स्थापना नहीं बल्कि सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा सूत निर्यात करना था। धीरे धीरे रिलायंस टेक्सटाइल सबसे बेहतर गुणवत्ता वाला सूत प्रदान करने वाली कंपनी के तौर पर उभर चुकी थी। पर यहाँ भी एक परेशानी थी। दुकानदार बड़ी मिलों से कपड़ा खरीदने को तैयार थे पर रिलायंस से नहीं। धीरूभाई भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने अपना कपड़ा सड़कों पर बेचना शुरू किया। उनके इस साहसी स्वभाव ने सबको प्रभावित किया। जल्द ही उनका कपड़ा विमल बाजार का सबसे ज़्यादा बिकने वाला कपड़ा बन गया। इस तरह रिलायंस कंपनी सालों तक तरक्की के मार्ग पर अग्रसर रही। बाद में रिलायंस ने अपनी अन्य दूरसंचार संरचना और ऊर्जा की शाखाओं की स्थापना की। रिलायंस भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जिसे फोर्ब्स ने विश्व की सबसे सफल 500 कंपनियों की सूची में शामिल किया। उनके कभी न हार मानने वाले स्वभाव के बल पर उन्होंने कई सम्मानीय पुरस्कार प्राप्त किए। इनमें से मैन ऑफ द 20th सेंचुरी, डीन मेडल और कॉरपोरेट एक्सीलेंस का लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सबसे प्रमुख है। उन्हें ABLF एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम द्वारा भी ABLF ग्लोबल एशियन अवार्ड प्रदान किया गया। आज रिलायंस देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। धीरूभाई 6 जुलाई 2002 को दुनिया को अलविदा कह गए पर अपने पीछे अपनी ज़िंदगी की एक कहानी छोड़ गए जो करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रहेगी कि अगर एक छोटे से गांव का लड़का अपने आत्मविश्वास के बल पर करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं।